सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। साथ रहते रहते वक्त यूं ही गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब हम साथ साथ हैं, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। जो चलते हो मंजिल की ओर वो सिकवे नहीं किया करती, जो कहते हैं सिकवे गिले वो मंजिल पर पहुँचा नहीं करती। उस सुख का क्या महत्व जो थोड़ी बहुत वेदना का अनुभव किए बिना ही मिला हो। आज का पंचांग 26 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 5:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 26 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, आपका नेतृत्व कौशल और करिश्मा आपके आसपास के लोगों द्वारा नोटिस किया गया है जो आपको समाज और काम पर लोकप्रिय बना रहा है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और जल्द ही पुरस्कार भी मिलेगा। आपके प्यार भरे जीवन में समस्याएं अधिक ध्यान और बातचीत द्वारा हल की जा सकती है। आपकी पेशवर जिंदगी को परिभाषित करने के लिए केवल दो ही शब्द काफी है, भरोसेमंद और जिम्मेदार। आपका काम आपका समय और तवज्जो चाहता है, किंतु इसमें भावनात्मक जरूरतों को नज़रअंदाज ना करें। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी मेहनत हिम्मत और लगन से हर कल्पना साकार होती है। नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। खर्चों के साथ साथ आय में भी वृद्धि होने से तनाव नहीं रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानी का समाधान मिलने से राहत भी, जिस कार्य के द्वारा आपको अपनी पहचान प्राप्त हुई है उसे से संबंधित बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। आपके भूतकाल से जुड़े कोई व्यक्ति फिर से संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। जो कठिन निर्णय आप अभी तक नहीं ले पा रही थी उसे संबंधित अधिक जानकारी आज प्राप्त होगी और निर्णय लेना आपके लिए आसान होगा। जिस व्यक्ति के द्वारा काम प्राप्त करने की आपको अपेक्षा है वह व्यक्ति आपको केवल व्यक्तिगत बातों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परिवार के वातावरण में सुख शांति बनाए रखने के लिए पार्टनर प्रयत्न करेंगी। वजन को नियंत्रण में रखने की कोशिश आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव दिखा सकती है। सावधानियां, परिवार के ही किसी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से चिंता रहेगी, परंतु ध्यान रखें कि घर की बात बाहर उजागर ना हो, अन्यथा इससे परिस्थितियां और अधिक गंभीर हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम जीवन या रोमांस में समस्या आने से आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अकेले में समय बिताना चाहेंगी। सब कुछ भूलकर किसी समूह या संगठन का हिस्सा बनकर लोगों से घुले मिली, इससे आप खुद में नई स्फूर्ति महसूस करेंगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से संबंध बेहतर बन सकते हैं। भावनात्मक जरूरतें आज आपकी प्राथमिकता है और आपकी लालसा भी अपने परिवार के साथ समय बिताने की है, इससे आपका अपने पार्टनर से संबंध और भी मजबूत होगा। अपने साथी पर विश्वास करें, अपने रिश्तों के इतना पक्का कर ले कि लोग कुछ भी कहें किंतु आपका विश्वास कमजोर ना हो, यही सच्चा प्यार है। बात करते हैं करियर की। आपकी प्रबंधकीय क्षमता यह दर्शाती है कि आप हर कार्य सोच समझकर करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी जिससे कार्यस्थल पर आपकी स्थिति और रैंक में बढ़ोतरी होगी। सरकार और संबंधित एजेंसियां या बड़े निगम भी आपके गुणों को पहचानते हुए आपसे कोई अनुबंध कर सकते हैं।
भरोसेमंद और विश्वसनीय, यह दोनों शब्द आपका अच्छे से वर्णन करते हैं। काम करना और दूसरों की सेवा करना, दोनों के लिए अधिक समय चाहिए। ऐसे में खुद की भावनात्मक जरूरतों का नजरअंदाज ना करें। अपनी सेहत की ओर ध्यान दें, जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। बात करते हैं सेहत की। मांसपेशियों का दर्द परेशान करेगा, इस समय ठंड से अपना बचाव रखें। वजन को नियंत्रण में रखने की कोशिश आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव भी दिखा सकती है। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।